वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हम सबके मध्य उत्तर प्रदेश के महान यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री जिनका सिख समाज को सदैव सानिध्य प्राप्त होता रहा है, जो हमारे परिवार का अंग है, जिनको हम प्रेम से सरदार योगी आदित्यनाथ सिंह जी भी कहते हैं, ऐसे महान मुख्यमंत्री आज साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के पावन प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरु महाराज के शीश निवाने और अपना आशीर्वचन हम संगतों को देने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनकी गरिमामय उपस्थिति हेतु, उनके अमूल्य समय प्रदान किए जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी आपका हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। इसी क्रम में हमारे समक्ष सिख समाज का गौरव आदरणीय बलदेव सिंह औलख साहब, जो हमारे माननीय राज्य मंत्री हैं, वो भी उपस्थित हैं, मैं उनको भी जीआईएन कहना। हमारी लखनऊ की प्रथम नागरिक और हम लोग का संघर्ष जिनका साथ में रहा, ऐसी हमारी आदरणीय सुषमा खड़कवाल जी जो कि हमारी महापौर हैं, उनका भी मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं सत्संगत जी, चूंकि स्वागत उद्बोधन है, बहुत कुछ कहना, समा भी हर चीज का कीमती होता है, लेकिन मैं कुछ शब्द जरूर कहना चाहूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत 6 वर्षों में सिख समाज को सम्मान दिया है, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। महाराज जी, सिख समाज एक वफादार कौम है, एक राष्ट्रभक्त कौम है, ये जिसके साथ जुड़ती है तो उसके साथ अपनी जान दे के भी खड़ी रहती है। आपने हमको लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश का हृदय है, और उसके हृदय आलमबाग में हमें जो खालसा चौक की सौगात दी है, महाराज जी उसके लिए हम आपका आभार ज्ञापित करते हैं। कितने ही फक्र की बात है, एक महाराजा रंजीत सिंह जी हुए थे जिन्होंने जैसे अमृतसर गुरुद्वारा साहब में स्वर्ण छत्र चढ़ाया था, उसी प्रकार काशी विश्वनाथ मंदिर पर भी स्वर्ण छत्र चढ़ाया था। न्यायप्रियता किसी शासक की देखनी हो तो जैसे भगवान राम की बात करते हैं, उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह कालांतर में 40 वर्षों तक उन्होंने शासन किया और सिखों की आबादी मात्र 6% और 51% मुस्लिम आबादी, 42% हिंदू आबादी, और 40 वर्षों तक प्रत्येक प्रजापालक जो होता है, आज मैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी को देखता हूं और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार हो रहा है, मैं ये देखता हूं, चाहे आजमगढ़ का गुरुद्वारा हो चरण पादुका साहब, वहां 51 लाख रुपया देना हो जीर्णोद्धार के लिए, गोरखपुर के गुरुद्वारों के लिए धनराशि जारी करनी हो, अन्य जगहों पर जीर्णोद्धार कराना हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पास शब्द नहीं है। विशेष तौर पे एक आभार अवश्य ज्ञापित करूंगा आपके इस, मैं तो इसको पावन कार्यकाल कह रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश भी भारत का एक स्वर्णिम युग चल रहा है, जो आपने हमें राम मंदिर का, जो कि राष्ट्र का मंदिर है, वो सौगात दे रहे हैं, उसके लिए भी हम आपका आभार ज्ञापित करते हैं। क्योंकि राम मंदिर का जो डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें सिख समाज को बहुत गर्व की बात है, दो उन्होंने उस पे मुख्य बिंदु लिए। एक, गुरु नानक देव महाराज ने 1510 में उस पावन धरती पे गुरु महाराज के चरण पड़े थे। दूसरा, 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निहंगों के विरुद्ध FIR दर्ज की थी, निहंगों ने वहां पे पूजा की थी। ये दो उदाहरण है जिसके कारण आज राम मंदिर का ये नतीजा आया है, तो सिख समाज के लिए गौरव की बात है। मैं सिख समाज से निवेदन करूंगा, जयकारा लाके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बोले सोनिहाल, पुनः बहुत बहुत आभार, मैं आपका हृदय से आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद। इसी क्रम में माननीय मंत्री बलदेव सिंह औलख जी सिख समाज को अपना संबोधन देने का कष्ट करें। महाराज की हजूरी च बैठी गुरु रूप साध संगत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज असी एक महान गुरु दे जन्म दिहाड़े नूं मनाउण वास्ते आपां आशियाना गुरुद्वारे दे विच सारी संगत जिहड़ी इकट्ठी होई है, और साढ़े यूपी दे
मुख्यमंत्री जिहड़े कि बहुत ही सिखां दे प्रति प्रेम, सिखां दे गुरुआं दे प्रति लगाव, सिखां दे गुरुआं दे प्रति आस्था, इन्ना वड्डा भंडार उन्हां दे मन दे विच गुरुआं दे प्रति सत्कार दा, ऐसे साडे मुख्यमंत्री गुरु घर बैठे माननीय ते सम्मानित योगी आदित्यनाथ जी, इस गुरुद्वारे दे प्रधान आदरणीय जसपाल सिंह बेदी जी, महासचिव चड्डा जी, अल्पसंख्यक आयोग दे मेंबर सरदार परमिंदर सिंह जी, पंजाबी अकैडमी दे पूर्व उपाध्यक्ष भाई विक्की छाबड़ा जी, लखनऊ की महापौर साड़ी भैन जी, और गुरु घर आए सारी साध संगत, मेरी माता और भैनों, अज असी महान गुरु दे इस जन्म दिहाड़े नू मनाउण वास्ते कोने कोने ते गुरु साहब का दिहाड़ा मनाया जा रहा है, और उन्हां दे निमित्त अज आशियाना दे विच जिहड़ा कि माननीय मुख्यमंत्री सी ने खुद कल माननीय मुख्यमंत्री जी तेलंगाना दे विच अपने चुनाव की रैली नू संबोधन कर रहे सी, उत्थों टेलीफोन आया कि मैं गुरु नानक देव जी के जन्म दिहाड़े ते गुरुद्वारे जाना और आशियाना गुरुद्वारे दे विच पहुंचना। प्रधान जी नाल गल हुई, सारिया नाल गलबात हो के आप जी का बहुत कीमती समय, माननीय मुख्यमंत्री जी कल विधानसभा चलनी है, बैठक भी आ विपक्षी दलों के नाल, बहुत सारे रुझावें दे विच, और माननीय मुख्यमंत्री जी सानू कहन की जरूरत नहीं है, सानू कोई आग्रह करन की जरूरत नहीं है, मर महाराज जी माननीय मुख्यमंत्री जी गुरुआं दे चाहे जन्म दिहाड़े हो ते भावें शहीदी पर्व हो, वो वध चढ़ के गुरुआं दे नाल, गुरुआं दे इतिहास दे नाल अपना हिस्सा बनाउण दा काम करदे ने, और बहुत श्रद्धा दे, बहुत एक आत्मिकता दे नाल ओह गुरुआं दे इतिहास नूं मत्था टेकदे ने, गुरुआं दे इतिहास नूं नमन करदे ने, और कोई भी समय इस तरह का नहीं हुंदा कि जिहड़ा कितने माननीय मुख कोरोना के टाइम पर भी जिते आदमी मिलना नहीं सी चाहता, कोरोना के टाइम पर कोई घरों बाहर नहीं सी निकलता, उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आवास से सारिया सद के उथे गुरु साहब का प्रकाश से कीर्तन से लंगर कराने का काम किया। ये अंदर एक आत्मिकता की गल है जी, और गुरुआ के प्रति प्रेम है, जिथे गुरु नानक देव जी का सवाल है 1469 दे विच 27 तरीक नूं तलवंडी दे पिंड दे विच उन्हां दा जन्म होया, उन्हां दे पिता जी मेहता जी कल्याण राय जी उन्हां दे पिता जी सीगे, उन्हां ने गुरु नानक देव जी नूं जो वड्डे होए ते व्यापार करन वास्ते भेजिया, 20 रुपए दे के कहा कि गुरु नानक देव जी आप जी नूं व्यापार दे विच व्यापार करना, उन्हां सारे साधु संतां नूं लंगर छका के ते अपने घर आ,
मतलब शुरू तो ही उन्हां दा एक अलग ही इतिहास सीगा। उस समय बाबर का बहुत अत्याचार दुराचार चल रहा सीगा। गुरु नानक देव जी ने कहा कि पापा की बरात का यह दूल्हा, उन्होंने अरेस्ट किया। उस वे उन्होंने जेडे चमक सी जो उन्होंने एक नेतृत्व सीगा, फिर उन्होंने वापस छड़न का काम किया। इस करके बहुत सारा गुरु नानक देव जी के इतिहास अगर कहे तो बहुत लंबा होगा। गुरु नानक देव जी पहले गुरु ऐसे सीगे कि जिन्होंने सारे धर्मों का सत्कार किया और सारे धर्मों के भ्रम दूर करने का काम किया। जेड़े जेड़े अही भरमी सीगे अपने अपने समाज और जिनी यात्रा उन्हें की, गुरु नानक देव जी ने साढ़े किसी गुरु ने यात्रा उन्हें नहीं की, लोगों सुधारन वास्ते, लोगों शिक्षा देने वास्ते, लोगों के भरम कुरीतियां दूर करने वास्ते उन्हें अपना जीवन और चलाया। मैं इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सिखा के प्रति सिखा वालों बहुत आभार बहुत धन्यवाद, क्योंकि महाराज जी माननीय मुख्यमंत्री जी का गुरु नानक देव के जन्म दिहाड़े ते आउण दा मतलब यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश के गुरुद्वारे च साडे माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थित हाजरी गुरु ग्रंथ साहब के सामने हाजरी लगी, ये पूरे उत्तर प्रदेश का संदेश है।